अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम टू तो एनल व्लॉग उम्मीद कर क्योंकि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे खुदा आप सबको अपने घरों में खुश और आपको अपनी फैमिली के साथ ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करें जनाब तो आजकल कर जो है ना वो तरबूज़ का मौसम है और तरबूज़ सुबह नाश्ते में जो है ना वो डेली की रूटीन है हमारी कि तरबूज़ से जो है ना वो नाश्ता होता है उसके थोड़ी देर बाद जो है ना घंटे बाद फिर आप लोग पराठा वगैरह खाते हैं तो जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े का आजकल तरबूज आ रहा है और वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है जितनी गर्मी है ना जितनी स्वेटिंग होती है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग तरबूज जो है ना वो अपनी डाइट में शामिल करें मैं कह रही थी सफाई सफ़ाई तो हो गई है तो मैं कह रही थी विंडोज़ के शीशे साफ़ क्योंकि पिछले दिन आपको पता है बारिश हुई थी और बारिश की वजह से विंडोज़ जो हों इतनी गंदी हो गई थी उनके शीशे सारे तो मैंने आज खोल के वो भी कर दूँ गर्मी तो आपको पता बेतहाशा हो गई है गर्मी में तो बंदे का कुछ करने का भी दिल नहीं कर रहा होता अभी मैंने शीशा साफ़ किया है अभी इस वाले शीशे का मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें ये कितना गंदा है अभी और ये वाला देखें मैंने साफ कर लिया ये कितना नीट तरीके से शीशा साफ हो गया शीशे का मैंने आपको आगे भी अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं शीशा जब भी करती हूँ ना तो मैं अखबार के साथ और ये वाला जो लिक्विड है ना इसके साथ करती हूँ यानी इसको स्प्रे करके तो अखबार से हमेशा शीशा जो है ना मैं साफ़ करती हूँ तो यकीन करें वो इतना शाइन कर रहा होता है इतना शाइन कर रहा होता है ना अब बिल्कुल क्लीन हो गया शीशा ये कोई स्टेन नहीं है इसके ऊपर तो मैं बस इसको भी करने लगी थी ये भी मैं आपको करके दिखाऊँगी अभी देखें अच्छे तरीके से जो है ना ये वाला मिरर भी पूरा क्लीन हो गया इतने ये गंदे थे बस इसको वो ये है कि आपने जब भी साफ़ करना है ना स्प्रे करके तो हमेशा अखबार से करना है किसी भी कपड़े से नहीं करना या कोई और पेपर से नहीं करना सिर्फ अखबार यूज़ करनी है आपने उसी से इतनी शाइन आ जाती है ना और जनाब गर्मियाँ आती नहीं है कि बच्चों का जो है ना वो स्यापा लग जाता है कि हमें स्विमिंग पूल जो है ना वो वह निकाल के दें इसको मैंने पैक करके रखा हुआ था पिछले दिनों फिर जो है ना वो ठंड हो गई थी दोबारा ठंड से मतलब कि ठंडा मौसम हो गया था बारिश रही है काफ़ी तो इस वजह से जो है ना वो नहीं था मौसम के इनको पूल दिया जाए तो अब जो है ना गर्मी दोबारा थोड़ा सा पढ़ना शुरू हुआ तो बच्चों ने इतनी जिद की हुई थी कि हमें निकाल के दें तो तोना जो है वो इनको निकाल के दे दिया था और यहाँ पे फरम बस इनको जाना वो पानी शानी डाल के दे रहे थे इसके अंदर इस वाले पूल का ये होता है कि इसमें पानी ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है फिर ये जो है ना इसकी साइड वॉल्स स्टेबल हो जाती हैं खड़ी हो जाती हैं फिर खुद अभी तो बच्चों ने पकड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोगों ने जो है ना वो बस पूल में बैठना है और नहाना है और बस उनसे सबर नहीं था हो रहा अभी ऑलरेडी पाइप लगा हुआ पानी भर रहा लेकिन इनसे इंतज़ार नहीं था हो रहा तो बच्चों ने जो है ना वो अंदर जा के नहाना शुरू कर दिया था तो बस बच्चों की एक्साइटमेंट ये होती है और थोड़ी देर बाद ही इन्हें ठंड लगना शुरू हो गई थी क्योंकि मोटर का इतना ठंडा पानी था ना और बच्चों को पूल में भेज तो दो ना तो निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि वो भी इनके तल्ले डालने पड़ते हैं कि बेटा आ जाओ अब बस कर दो इतना ज़्यादा भी पानी में नहा के बच्चों की तबीयत ख़राब ही होती है ठंडा इतना पानी होता है और जना पूरा दिन जो है ना वो मैं क्रम को पूछती रही थी कि शाम को खाने में आप बता दें आपने क्या खाना है लेकिन जो है ना वो क्रम यही थे बता दें शाम को देखेंगे तो वो जो ये वाला काम होता है ना शाम को देखेंगे सोचना कि खाने में बनाना क्या है ये भी बहुत बड़ा स्यापा होता है कसम से रोज़ का एक तो खैर यहाँ पे उस टाइम तो उन्होंने बताया नहीं और जब शाम को गैस आने का टाइम हुआ ना तब कहने लगे अच्छा और देखते हैं ऐसा करते हैं आप पुलाव बना लेते हैं आप मामों को था कि पुलाव बनाना है तो साथ मुझे गोश्त का सालन भी चाहिए और फिर कुरम को था साथ कबाब भी चाहिए और रायता भी साथ बनना ही होता है तो फिर सारी चीज़ें जो है ना वो फिर मैंने आंटी ने साथ ली थी और जो है ना वो साथ ही हम लोगों ने दोनों ने मिलकर जो है ना वो काम कर लिया था भाई कसम से रोज की एक बहुत बड़ी टेंशन होती है खाना बनाना भी और मामू जो है ना वो तो रोज़ सुबह ग्यारह बजते ही ना शुरू हो जाते हैं आंटी को मुझे बताओ क्या बनाना है आज क्या बनाना है और कसम से सोचने का भी टाइम नहीं देते <laughs> कि इंसान जो है ना वो सोच ले आ, मतलब सोचना पड़ता है ऑब्वियसली रोज रोज़ रोज़ रोज बंदा क्या भी बनाए ना और ये भी देखना होता है कि किसने क्या खाना है किसने क्या नहीं खाना उस हिसाब से फिर चीज़ बनानी होती है और जनाब बस ये मैं यहाँ पे जो ना वो कबाब का मसाला बना रही थी और बस अच्छा हमारा ये होता है कि रात के आठ बजे तक जो है ना हमारा खाने पीने का काम खत्म हो जाता है मतलब आठ बजे से पहले पहले कोशिश होती है हमारी के खाना जो है ना सब खा के हम लोग फ्री हो जाते हैं किचन साफ करके सारे काम से जो है ना पानी हो जाते हैं आठ बजे तक हम लोग भी है खीरा भी है चलो अब बैठ जाओ आराम से टेबल आगे कर दिया मैंने पढ़ो और खाना शुरू करो तो चलो तो तो हम लोग खाए खाना इसी के साथ ब्लॉग को एन करते हैं उम्मीद आपको ब्लॉग पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़ टेक केयर फिर